सिमरिया कविता की दुनिया के नक्शे में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले का ये साधारण सा गांव असाधारण महत्व रखता है, क्योंकि इसी मिट्टी से ओज की कविता का एक सूर्य उदय हुआ था, जिसका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जब कविता की धरती पर आए तो भावों के परिंदे जाग उठे, भाषा ने नई शक्ल पाई और धरती की ताकत पुरूरवा की वाणी में जैसे उसके सर्जक रामधारी सिंह दिनकर का ही परिचय देते हुए गूंज उठी। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। सूर्य पूरब दिशा में उगता है, दिनकर का जन्म भी पूर्वी भारत की धरा पर 23 सितंबर 1908 को सिमरिया के इसी घर में हुआ था। दिनकर के रूप में माता मनरूप देवी और पिता बाबू रवि सिंह को जैसे अपना सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया था। बालक दिनकर ने बचपन में गरीबी का अंधेरा देखा था। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और फूस के छप्पर और रोशनी के नाम पर घरों के आलों में टिमटिमाते मिट्टी के दिए दिनकर की गरीबी के साक्षी थे। लेकिन केवल दिनकर ही इस गरीबी के शिकार नहीं थे, बल्कि उस समय समूचा देश इसकी चपेट में था और अंग्रेजी दास्ता जिसका एकमात्र कारण थी। दिनकर ने अंग्रेजों की गुलामी को भी देखा और उनके अत्याचारों से त्रस्त किसानों के जीवन के अंधकार को भी, उस अंधकार को जिसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की नींव दिनकर के विचारों में पड़ चुकी थी। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कलम से संघर्ष छेड़ने वाले दिनकर का हृदय हमेशा गांव में रहा, उसी गांव में जहां बचपन में उन्होंने गाय भैंस चराई, जहां कुश्ती कसरत कर उनकी देह तगड़ी बनी, जहां वे बारो गांव के मिडिल स्कूल में नंगे पांव जाते और जहां 2 बरस की उम्र में पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। जीवन में दुख और सुख के कई मोड़ आते हैं। 13 साल की उम्र में दिनकर के जीवन में भी एक मोड़ आया जब उनका विवाह श्यामवती देवी से हुआ और वे 2 पुत्रों रामसेवक सिंह और केदारनाथ सिंह तथा 2 पुत्रियों विनता देवी और विभा देवी के पिता बने। उम्र का 20वां साल दिनकर के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी साल पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक लेकर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और भूदेव स्वर्ण पदक भी पाया। दिनकर जी का जो अनुभव का लोक है वो अपने समय के समाज में जो उद्वेलन हो रहा है, जो अपने समय के समाज में आज़ादी की लहरें उठ रही हैं, उनका चित्रण करना है। इसलिए वह अनुभव उसी तरह की भाषा लेकर आती है और दिनकर जी को अपने पाठकों तक पहुंचना भी है, इसीलिए उनकी भाषा में एक प्रकार की बड़ी गरिमा भी है और बड़ी सहजता भी है। देखिए, दिनकर जी की भाषा शुरू से अंत तक एक जैसी नहीं रही, उस भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हुए और मुख्यतः उनकी जो छवि बनी वो उनके संबोधन की शैली से बनी। उन्होंने जानबूझकर ये तय किया था कि वो सामान्य लोगों को संबोधित करेंगे अपनी कविता में। उनका उदय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था और एक तरह के राष्ट्रीय चेतना के वो वाहक कवि थे, लेकिन उनकी भाषा जो शुरू में है वो उर्वशी तक आते आते बदलती है और उसके बाद हारे वो हरिनाम में फिर और बदल जाती है। तो भाषा के बहुत सारे तेवर एक साथ
दिनकर जी में मिल जाएंगे, और ये बात उनकी संवेदना के बारे में भी सच है। सीधा सपाट संदेश नहीं है कुरुक्षेत्र का, क्योंकि पृष्ठभूमि में है द्वितीय महायुद्ध, और इसलिए दिनकर नहीं कह सकते थे कि दिनकर जी उस समय अंग्रेजी सेना में लोगों की भर्ती कराने के लिए प्रचार का कार्य कर रहे थे। युद्ध कोई नहीं चाहता, शांति के पक्ष में है, लेकिन यदि युद्ध अनिवार्य हो तो उसे टाला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनसे आप पलायन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र का जो संदेश है युद्ध अधिकांश लोगों ने कहा दूसरा महायुद्ध न होता तो अच्छा होता, असल में पृष्ठभूमि है द्वितीय महायुद्ध की, तो द्वितीय महायुद्ध अनिवार्य हो गया था, इसे लड़ना जरूरी था, युद्ध से भाग नहीं सकते हैं, यही मूल संदेश है। अंग्रेजी सत्ता भारतीय नागरिकों का दमन करती रही और दिनकर की कविता आजादी के लिए संघर्ष करने वालों का आह्वान करती रही। आजादी के दीवानों का बलिदान अंततः रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। दिनकर ने इस सूर्योदय का श्रेय भारत की जनता को ही दिया। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, फावड़े और हल राज दंड बनने को है, खूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती पर मान पत्र प्रदान करके और राजस्थान विद्यापीठ सम्मान देकर दिनकर के यश का और विस्तार किया। उर्वशी दिनकर की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति, जिसके लिए उन्हें साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काम जैसे मनोभाव के महत्व को स्वीकार करने और उसे आध्यात्मिक गरिमा तक पहुंचाने के लिए जिस साहस की जरूरत थी वो दिनकर में मौजूद था। उर्वशी नामक महाग्रंथ में अर्ध नारीश्वर का आशय उन्होंने ऐसे समझाया, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अधूरा है, और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं वह भी अपूर्ण है। दरअसल दिनकर के व्यक्तित्व में पौरुष की हुंकार थी तो स्त्रीत्व का प्रेम भी। दिनकर एक काव्य गोष्ठी में भाग लेने तिरुपति पहुंचे। जब वो तिरुपति जा रहे थे तो मैंने कहा आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं, कह लगे मरने जा रहा हूं। उस व्यक्ति को पता था मैं वापस नहीं आऊंगा, और मेरे ख्याल में पहली और अंतिम बार तिरुपति के मंदिर में कविता हुई, कविता पाठ हुआ दिनकर जी का, और आकर जहां उन्होंने रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से भगवान कृष्ण के विराट रूप का पाठ किया। ये दिनकर का अंतिम काव्य पाठ था। तिरुपति में 24 अप्रैल 1974 की रात दिनकर को दिल का दौरा पड़ा और वे भगवान के विराट रूप में समा गए।